बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, अंगूठे उंगली का स्पर्श, तीनों उंगलियां मिली हुई स्थिति। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, दो उंगलियां अंगूठे की गति में, अंगूठा दाई नासिका पर रखें। बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे, जैसे कि हम घड़े में पानी भरा हुआ होता है उसके पूरे अच्छी तरह धो के उसके पानी को निकाल के तब फिर से भरते हैं। अगर हमारा घड़ा टेढ़ा होगा तो उसमें पानी नहीं आएगा, उसी तरह हमारी इस समय गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। पहले श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, अब बहुत धीरे धीरे बाईं तरफ से श्वास भरें, छोटी उंगली से बंद करें और दाईं तरफ से बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर। अब दाईं तरफ से भरें, अंगूठे से बंद करें, बाईं तरफ से बहुत धीरे धीरे बाहर। इस भांति पांच बार कर जाएं। शांत लोम अनुलोम बहुत ही साधारण सी, बहुत ही आसान सी क्रिया है, लेकिन इसको अगर हम 10 मिनट कर लेते हैं तो इसके चमत्कारिक लाभ हमको मिलते हैं। 10 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पानी लेते हैं, गोली खाते हैं, 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। अगर हम प्रतिदिन 10 मिनट इसके लिए निकालें तो हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, नाक, कान, आँखें, हाथ पैर, फेफड़े, लंग्स, हार्ट, ये सभी के लिए बहुत लाभकारी है। हार्ट पेशेंट भी इसको कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं, सब किसी को भी नुकसान नहीं करता ये। इसी की थोड़ी सी आगे वाली क्रिया कहलाती है नाड़ी शोधन। इसमें हम उसी तरह से करना होता है, सिर्फ रोकना है। इसमें हम एक दो दो के अनुपात में करते हैं, 5 की गिनती में भरेंगे, 10 की गिनती में रोकेंगे और 10 की गिनती में छोड़ेंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर रखें, बाईं तरफ से बहुत धीरे धीरे 5 की गिनती में श्वास भरें, उंगली से बंद करें, 10 की गिनती में रोकें। अंगूठा हटाकर 10 की गिनती में श्वास बाहर निकालें। अब दाईं तरफ से 5 की गिनती में भरें, अंगूठे से बंद करें, 10 की गिनती में रोकें। सिर्फ जैसे हमने अंगूठा भी नाक पर रखा है तो सिर्फ नाक की हड्डी पर टच करना होता है, उसको दबाना नहीं होता, टेढ़ी नहीं करना होता। अब हम बाईं तरफ से श्वास भरेंगे, इस बात ही 5 बार कर लें। शांत हाथ ज्ञान मुद्रा में, नाड़ी शोधन बहुत ही उच्च क्रिया है। इसको करने से हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। वही नाड़ियाँ हैं जो कि पूरे शरीर में जिनका जाल बिछा हुआ है और जिनके द्वारा ही सब कुछ हमारे शरीर का संचालन होता है, उन सबको हम इसके द्वारा स्वच्छ कर लेते हैं। इसके द्वारा जितना भी कफ है, खांसी जुकाम है, वो भी सारा ठीक होता है।
और पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो भली भांति होने लगती हैं। बस हमको करना है प्रतिदिन, सिर्फ एक आध दिन के करने से नहीं होता है, प्रतिदिन। जैसे हम खाना खाते हैं और भोजन है हमारा, बिना खाना खाए नहीं रह सकते, उसी भांति इसको भी दिनचर्या में एक घंटा योग के लिए लगाएं। उसके लिए आपको सुबह को एक घंटा पहले उठ सकते हैं और खाली पेट सुबह ही सुबह करें, आप देखेंगे आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाने का खर्चा समय सब बच जाएगा।